दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम मेरे दादा परदादा और मेरे पुरखों की निशानियों से मुतल्लिक है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, वंस अगेन टीनेजर इन चीज़ों का शौक़ ना करें, ये माशरे के लिए, फैमिली के लिए और सबके लिए बहुत बेहतर है। सबसे पहले मैं आता हूं इस गन की तरफ। इस गन को कहते हैं, हमारी ज़बान में इस गन को डंगर कहते हैं, डंगर। और ये जो है 1921 मेड है, रशिया की 1920 मेड। और ये मेरे दादा मलक गुरसैद खान की बंदूक है, वो वफात पा गए हैं और उनकी ये निशानी आज भी मेरे पास महफूज है और ये स्टिल वर्किंग हालत में है और ये आज भी फायर के काबिल है। तो ये एक अच्छी बंदूक है और इसको हमने एज एंटीक अपने पास रखा हुआ है। सो जस्ट आपको बताना था कि मेरे दादा की बंदूक है ये, डंगर बंदूक 1921 मेड, USSR। अब हम आते हैं इसकी बंदूक की तरफ। ये मेरे दादा की बंदूक थी, ये मेरे परदादा की बंदूक थी, 1861 की बंदूक है ये। और ये भी स्टिल वर्किंग हालत में है, अच्छी बंदूक है ये और ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है और काम करती है। ये मेरे परदादा की है, माई ग्रैंड फादर गन दिस वन, ठीक है। ये भी डंगर बंदूक है, रशिया की बनी हुई है। अगर ये क्लोजअप देखें तो ये 1861 इसका डिज़ाइनिंग मॉडल का डेट भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। और अब आते हैं इसकी तरफ। ये मेरे परदादा के बाप की तलवार है। बाय दैट टाइम देयर वाज नो गन्स, उस ज़माने में तलवारों से जंगें लड़ी जाती थी। तो ये उनके हाथ की एक निशानी मेरे पास है और ये है 1784 की ये तलवार है, ईयर 1784 की तलवार है। मलक नौरोज खान मेरे परदादा के बाप का नाम था, ये उनकी बंदूक है, वो गांव के मलक थे। और ये उनकी तलवार है, उस ज़माने में बंदूकें नहीं हुआ करती थी। और आखिर में हम आते हैं इसकी तरफ। ये है 1721 मलक अब्दुल्ला खान नाम है, मेरे परदादा के बाप का नाम है मलक अब्दुल्ला खान। ये उनके हाथ की तलवार है और ये भी एंटीक है और आज तक मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। हाथ में बहुत अच्छी लगती है और उस ज़माने में ये इस्तेमाल हुआ करती थी उस ज़माने में, और आज भी मेरा हैंड ग्रिप बहुत अच्छा है इसके साथ, लगता है उनका हाथ मेरा हाथ एक ही जैसा था। सो दिस इज़ एन एंटीक पीस फ्रॉम माय फोर ग्रैंडफादर्स। आई लव दीज एंटीक्स एंड आई कीप दीज एंटीक्स इन वेरी सेफ प्लेस। और आई लव दीज थिंग्स क्योंकि इमोशनल एंड सेंटिमेंटल वैल्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं इसकी, क्योंकि ये मेरे फोर फादर्स की निशानियाँ हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ अपने फोर फादर्स की निशानियाँ शेयर की हैं। तो इवन आई लव गन्स, बट ये चीज़ें जो हैं ये मेरे लिए गन से ज़्यादा अहमियत रखती हैं चीज़ें, क्योंकि ये सेंटिमेंटल वैल्यू मेरे लिए इसकी बहुत ज़्यादा हैं। आई होप यू एंजॉय माई फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।